सदर बाजार में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से ट्रांसफार्मर जला और रोपाई बाधित। आपको बताते चलें, मंगलवार को तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश के बीच तेज गड़गड़ाहट के साथ अचानक आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर जल गया, जिससे गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत करने के बाद बिजली विभाग के लोग वहां पहुंचकर बुधवार को उचित जांच पड़ताल की और उसे चलाने का प्रयास किया, तो लेकिन यह पूरी तरीके से खराब हो जाने की वजह से नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे कई पंपिंग सेट चलते हैं, जबकि सैकड़ों घरों में इसी ट्रांसफार्मर से विद्युत सप्लाई होती है। ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद इस भीषण गर्मी में लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। डॉक्टर साहब अपना नाम बताइए। डॉक्टर फखरे आलम भाई जी। अच्छा, ये जो अभी जो ट्रांसफार्मर जला दिखाई दे रहा है, खराब हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ था? कल जो है 3:15 लगभग जो है बहुत तेज बिजली गिरी। अच्छा, उसी में जो है ये जला बिजली से ही। हाँ, तो ये जल गया तो मतलब अभी तक इसमें कोई बनाने आया था? नहीं, दो बार आए बनाए, फ्यूज बने, लेकिन चली लाइन नहीं। अच्छा, वो बता रहे हैं कि जल गया। तो गांव में ये कौन सा गांव है? ये बैदीडी है, हरजन बस्ती पूरी इस पे लगी हुई है। बैदीडी सड़क पे जो सप्लाई जाती है वहाँ तक, गोदाम तक। अच्छा, तो बहुत से लोगों का इस वक्त, अरे मेरा ख्याल है कम से कम इस पे जो है 10 टेबल चल रहे हैं। अच्छा, और बकिया 300-400 घर हैं। अच्छा, जो व्यक्ति जल रही है, सभी लोग परेशान हैं। अच्छा ठीक, तो रोपनी का समय चल रहा है। ठीक, आप बताइए। हाँ, वही जो डॉक्टर साहब ने कहा है वही हुआ है, सब तेल वोल गिर गया है। और दो तीन बार आके बनाए भी है, चल नहीं रहा है। अच्छा, बिजली की वजह से पूरा खराब है, जल गया। बिजली की वजह से बिजली कब गिरी थी? हाँ, कल 3:30 बजे। अच्छा, हाँ कल तो बिजली की वजह से कई लोगों की मौतें भी हो चुकी है।